धर्मशाला के मैक्लोडगंज में स्थित निवासी तिब्बत सरकार ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को तिब्बती सचिवालय में मनाया। इस मौके पर निर्वाचित तिब्बत सरकार के प्रेसिडेंट डॉक्टर लोव सोंग सांगे, मंत्री व सांसद मौजूद रहे। इस दौरान सबसे पहले भारतीय राष्ट्र ध्वज को फहराया गया और उसके बाद राष्ट्र गान भी गाया गया। धर्मशाला के मैक्लोडगंज स्थित निर्वासित तिब्बत सरकार ने महात्मा गांधी की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ तिब्बत सचिवालय में मनाई। इस मौके पर निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रेसिडेंट डॉक्टर लोबसांग सांगाया, मंत्री व सांसद मौजूद रहे। इस दौरान सबसे पहले भारतीय राष्ट्र ध्वज को फहराया गया और उसके बाद राष्ट्रगान गाया गया, जिसके पश्चात महात्मा गांधी की तस्वीर पर दीप जलाकर और पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। निर्वाचित सरकार के प्रेसिडेंट ने कहा कि महात्मा गांधी की जयंती पर तिब्बत लोग स्वच्छ भारत अभियान में भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि साफ सफाई का खास ध्यान रखें, साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं और उनकी अगुवाई में भारत को आजादी मिली है। उन्होंने कहा कि परम श्रद्धे दलाई लामा और तिब्बत लोग अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। उन्होंने महात्मा गांधी का अनुसरण करने की बात भी कही। सारे भारत में और जो हम लोग धर्मशाला में हैं वो स्वच्छ भारत में पार्टिसिपेट कर रहा है और धर्मशाला के एरिया को साफ करेंगे और हम भारत साफ रखें और अपना एनवायरनमेंट और अपना हेल्थ को भी प्रिजर्व करें। ये हमारा पार्टिसिपेशन कर रहा है और गांधी जी भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गांधी जी तो फादर ऑफ नेशन है। उनके लीडरशिप के अंदर भारत को स्वतंत्रता मिला। ये सिर्फ नहीं, नॉन वायलेंस से, अहिंसा से, करुणा से स्वतंत्र मिला और उसके कृपा से सारे संसार में अहिंसा फैला और करीब जगह करीब देश में भी अहिंसा से उनका कॉज जो है वो सफल तो हुआ है। इसलिए परम पावन दलाई लामा जी और तिब्बती लोग गांधी जी का अहिंसा के अनुसार हमारा आंदोलन और हमारा कॉज भी अहिंसा से ही चल रहा है। तो सारे संसार में इतने लोगों को अहिंसा की कृपा से उनका कॉज सफलता हुआ, हमारा कॉज को भी सफलता होंगे, ये हम विश्वास करते हैं। वक्त तो चले, छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।